अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल पी फॉर बेकिंग में। तो आज मैं सैंड केक बना रही हूँ और उसके लिए मैंने स्पंज केक बनाया है, वनीला स्पंज केक एगलेस। तो आइए देख लेते हैं रेसिपी को। तो इसके लिए मैंने योगर्ट लिया है, योगर्ट फ्रेश लेना है आपको हाफ कप, और ये खट्टा नहीं होना चाहिए और ना ही फ्रिज में रखा हुआ 2-3 दिन पुराना। आपने कोई दही यूज़ करना है, आपने बिल्कुल फ्रेश योगर्ट लेना है। शुगर लिया है इसमें 3-4 कप। बस इन दोनों चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। बहुत सिंपल रेसिपी है और इतना परफेक्ट इसे वनीला केक बनता है, बहुत प्यारा बहुत टेस्टी बनता है और इसका स्पंज भी बहुत ज़बरदस्त होता है। ऑयल लिया है इसमें 1/2 कप, ये भी इसमें मिक्स करेंगे। और इसमें आपको बीटर की ज़रूरत नहीं है, आप हैंड विस्क भी बहुत अच्छा सा केक बना सकते हैं। बस इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मैंने शुगर बारीक वाली ली है। अगर आपने शुगर पाउडर लिया तो और जल्दी मिक्स हो जाएगा। 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस लिया है, आप 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं क्योंकि अगर आपको योगर्ट की स्मेल पसंद नहीं तो आप 1 टीस्पून वनीला एसेंस ले सकते हैं। 1.5 कप मैदा लिया है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा और 1.5 टीस्पून बेकिंग सोडा। बस इन तीनों चीज़ों को छानना है और बहुत अच्छे से इनकी मिक्सिंग करनी है। बस सिंपल इतनी सी ही इस केक की प्रिपरेशन है। इसमें आपने अंडों को बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, आपने केक को बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, सिंपल आपने मिक्सिंग करनी है। दूध ऐड कर रही हूँ इसमें, रूम टेम्परेचर पर दूध लिया है। ग्रेजुअली ऐड करेंगे दूध को और इस हैंड विस्क को हम घुमाते रहेंगे। आपने हैंड विस्क एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, इसको आपने आगे पीछे नहीं करना है, कभी आपने इस हाथ से कभी उस हाथ से इस तरह से नहीं करेंगे। एक ही डायरेक्शन में आप जब भी केक बीट करें हाथ से, चाहे बीटर से यूज़ करें या हैंड विस्क यूज़ करें, आपने एक ही डायरेक्शन में हमेशा इसको करना है। ये मेन स्टेप होते हैं, इनको फॉलो करना ज़रूरी होता है, इससे हमारा केक अच्छा बन जाता है। बहुत मज़े का ये केक बनता है और बहुत आसान रेसिपी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप किसी भी वजह से एगलेस केक बना रहे हों या घर में अंडे नहीं हैं या किसी को अंडों की स्मेल पसंद नहीं है तो वो योगर्ट से केक बना सकते हैं। तमाम ही बेकरीज़ में योगर्ट से केक बनाया जाता है और बहुत अच्छे केक बनते हैं, प्रोफेशनल रेसिपीज़ होती हैं ये। मैंने इसमें फ्यू ड्रॉप येलो कलर ऐड किया है, जिस तरह से केक हमारे हल्के से येलोइश कलर के होते हैं, इसके लिए, क्योंकि योगर्ट से केक थोड़े से वाइट हो जाते हैं, तो येलो कलर आप ऐड करेंगे तो अच्छा सा येलो स्पंज बनेगा हमारा। केक पैन लिया है, इसको मैंने बटर पेपर लगाया और इसको ग्रीस कर रही हूँ। 6 इंच का ये पैन है। जब भी आप 1 कप या 1.5 कप मैदे से केक बना रहे हो तो उसके लिए 6 इंच का पैन इनफ रहता है। तो ये पूरा बैटर मैं इसमें पोर कर रही हूँ। कढ़ाई को मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया है, जितनी देर में मैं इसके प्रिपरेशन करूँगी तो जो कढ़ाई है या पतीला है, जो भी इसमें आप बेक करना है उसको आप प्रीहीट करने के लिए रख दें। तो मैंने बस इसके बबल्स ख़त्म करने के लिए ये स्टिक इसमें चलाई है, बस इसके सारे ही एयर बबल आपने ख़त्म कर लेने हैं। हल्का सा इसको टैप करेंगे और मैंने कढ़ाई प्रीहीट की हुई है, इसमें रखेंगे। और आप केक का साइज़ चेक करिएगा, माशाल्लाह से कितना ये राइज हुआ है मेरा केक। ये 1/2 से भी कम बैटर मैंने डाला था और माशाल्लाह से ये फुल पूरा मेरा केक पैन तक आ गया है। ये मैंने कैंडी बिस्किट लिए हैं, इसको मैं सैंड का लुक दे रही हूँ केक को, तो इसके लिए बस इसको मैंने ग्राइंड किया है। बहुत अच्छी तरह से इसको पाउडर बना लेना है, मोटा मोटा नहीं करना, हमें बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना है। अगर चाहे तो आप छलनी से भी छान लेगा तो और ज़्यादा प्यारा लुक आएगा। अभी सैंड को लगाने के लिए हमने कंडेंस मिल्क यूज़ किया है, तो मैं ब्रश से कंडेंस मिल्क इसके ऊपर कवर कर दूँगी, साइड्स वगैरह में अच्छे तरीके से इसको लगा लें ताकि जब हम इसके ऊपर सैंड लगाएँ तो वो बहुत अच्छे से इसके ऊपर स्टिक हो जाए और वो निकले नहीं और बहुत अच्छा और प्यारा लुक दे हमारे केक को। तो मैंने कम्प्लीटली इसके सारे साइड और सब इसके ऊपर अच्छे तरीके से कंडेंस मिल्क लगा दिया है। इसमें किसी किस्म की क्रीम आइस आपको बटर आइसिंग वगैरह किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल है और बहुत यूनिक केक है, बहुत डिफरेंट बनता है और बहुत मज़े का भी लग रहा होता है कि आपके पास अगर घर में क्रीम नहीं है या आप बटर आइसिंग नहीं बनाना चाहते हैं तो इस तरह से कुकीज़ से केक को डेकोरेट करें तो वो भी बहुत मज़े का लगता है और बहुत खूबसूरत लगता है। और हर चीज़ से आपकी बचत हो जाती है कि आपने केक को डेकोरेट करने में आपको टाइम लगता है और इसमें कोई टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी से केक भी बेक हो जाता है और जस्ट 5 मिनट में हमारा केक डेकोरेट हो जाता है। आपने बहुत सारे आइसिंग वाले केक और क्रीम केक ज़रूर ट्राई किए होंगे, तो आप इस केक को भी ज़रूर बना के देखें। बहुत डिफरेंट, बहुत अच्छा और ज़बरदस्त सा ये केक बनता है।
तो मैंने सब सारे साइड्स पे भी अच्छे तरीके से लगा दिया है, कवर कर दिया है इसको मैंने सैंड से, और बहुत प्यारा सा इसमें लुक आ रहा है। आप बिल्कुल रफली करिएगा, कोई इतनी फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है, बच्चे भी आराम से इसको बना सकते हैं। उसमें हाथ से इसमें लेके और उसके साइड्स को लगा रही हूँ, कम्प्लीटली इसे कवर कर लेंगे। मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी, कट करके भी इसको दिखाऊंगी कि कितना मज़ेदार ये हमारा केक रेडी हुआ है। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।